ये है नॉइस के नए गेमिंग बर्ड्स, बर्ड्स कॉम्बैट एक्स। क्या है इसमें नया, जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये है बर्ड्स कॉम्बैट एक्स का बॉक्स, आगे स्पेसिफिकेशन लिखी है, 60 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा, क्वाड माइक ENC है, RGB लाइट्स हैं, बाकी साइड में भी कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ मेंशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स को ओपन करेंगे और देखते हैं बॉक्स के अंदर का कंटेंट क्या है। दो वेरियंट्स है मेरे पास में जिनको मैं यहाँ पे अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो एक व्हाइट है मेरे पास में और दूसरा है मेरे पास में यहाँ पे ब्लैक। तो यहाँ पे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स कंटेंट पे नजर डालते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, नॉइस के स्टिकर मिलेंगे, वारंटी रजिस्टर करने के लिए कार्ड मिलेगा आपको, साथ ही में आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगी बर्ड्स कॉम्बैक्ट एक्स की। इसी के अलावा एक छोटी सी किट मिलती है जिसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एयर टिप्स और चार्जिंग केबल मिलती है। ये है हमारे मेन एयरबड का केस, प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है, लेकिन काफी प्यारी बिल्ड यहाँ पे दे रखी है। और अगर मैं केस के आगे की तरफ बात करूँ तो आगे आपको ये ग्रीन लाइट देखने को मिल जाती है और साइड में आपको इसका टाइप सी का पोर्ट मिलता है चार्ज करने के लिए। जब आप इसे चार्ज करेंगे तो आगे लाइट आपको रेड नजर आएगी और यहाँ भी आप देख सकते हैं बैटरी कितनी चार्ज है, उसका आप स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे केस के ऊपर आपको कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा, बैक साइड में इस तरह से हिंज का डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ में यहाँ पे केस के स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। अब इस बर्ड को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको जो है RGB लाइट्स काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगती है। एंड अगर मैं केस की क्वालिटी की बात करूँ तो हिंज को मैंने मल्टीपल टाइम दोनों ही जो है बर्ड्स पे ओपन करके देखा है, हिंज का डिज़ाइन अच्छा है, केस की ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। तो केस को ओपन करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ब्लूटूथ का वर्जन 5.3 है, हाइपर सिंक के साथ में आता है, तो बिना केस से बाहर निकाले क्विक पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी। बर्ड की क्वालिटी की बात करूँ ना तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत प्रीमियम फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये व्हाइट वाले बर्ड हैं और मैं आपको इसका बैक साइड दिखाता हूँ, बैक साइड में ये कुछ ब्लैक डिज़ाइन के साथ में मिलता है। चार कलर वेरियंट्स इसमें, ग्रे, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक, तो मैं आपको वीडियो में व्हाइट और ये ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना वहाँ से। अब इसमें गेमिंग मोड आता है, किसी भी बर्ड को आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो वो गेमिंग मोड और नॉर्मल मोड पर स्विच हो जाता है, तो इस हिसाब से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसका टच टेस्ट करते हैं, तो सिंगल टैप पे आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट वाले से ज़्यादा होगी, लेफ्ट वाले से वॉल्यूम कम होगी। ट्रैक को प्ले पॉज करना है आपको तो डबल टैप करना होगा, राइट वाले से या फिर लेफ्ट वाले से प्ले पॉज हो जाएगा। ट्रिपल टैप राइट वाले को करेंगे ट्रैक नेक्स्ट होगा, लेफ्ट वाले से ट्रैक आपका प्रीवियस होगा। और यहाँ पे आप वॉइस असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। अब इसमें दे रखे हैं 10mm के ड्राइवर्स। और कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसको इवन मैं सजेस्ट करूँगा आप जिम वगैरह में पहनेंगे ना तो आपके कान से जल्दी से गिरने नहीं वाले, कंफर्ट इसका काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिला है। गेमिंग मोड की बात करूँ तो गेमिंग में आपको 50ms की लो लेटेंसी मिलती है, एक टेस्ट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और मैंने इसके अलावा काफ़ी सारे गेम्स खेले हैं, गेमिंग में आपको लैग का इशू नहीं मिलेगा। अब ये बेसिकली है गेमिंग बर्ड, तो गेमिंग को यहाँ पे जो है फोकस करते हुए नॉइज ने क्या है ट्यून किया हुआ है साउंड को। जैसे ही आप गेमिंग मोड पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको जो नॉइज ने दिया है स्पेशल साउंड, इसके अंदर में आपको जो बेसिकली है डायरेक्शनल साउंड समझ में आती है, तो फुटस्टेप वगैरह तो और भी एयरबर्ड्स में जो है समझ में आ जाते हैं, इसमें माइनर माइनर डिटेल भी जो है इजिली समझ आ रही है। गेमिंग में आपको डेफिनेटली इन बर्ड्स के अंदर में मजा आने वाला है, एंड जैसे कि इसमें 50ms की लो लेटेंसी है तो आपको लैग यहाँ पे नहीं मिलने वाला। क्वाड माइक दे रखा है ENC के साथ में, कॉलिंग अगर आप करते हैं तो कॉलिंग भी यहाँ पे बढ़िया हो जाती है। 10mm के ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ना क्योंकि गेमिंग मोड अलग दे रखा है, नॉर्मल मोड अलग दे रखा है, दोनों में आप म्यूजिक सुन सकते हैं। बेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड ट्रेबल्स भी यहाँ पे काफ़ी शार्प मिलते हैं और वोकल्स भी क्लियरली समझ में आते हैं, तो अगर आप इस पे म्यूजिक वगैरह भी सुनते हैं ना डेफिनेटली आप म्यूजिक को भी इंजॉय करने वाले हैं, एंड कॉलिंग क्वालिटी भी आपको जो है इसमें ठीक मिल जाएगी। एंड फॉर द प्राइस, ये लॉन्च हो रहे हैं 1399 में, जो इसका लॉन्च प्राइस है, बाद में इसका प्राइस बढ़ के 1599 हो जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग बर्ड्स हैं। साथ ही में इन बर्ड्स के अंदर में आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, तो स्प्लैशेस ऑफ वाटर से ये खराब नहीं होने वाले, पसीने से खराब नहीं होने वाले। केस के साथ में आपको अप टू 60 आवर्स का प्ले टाइम इन बर्ड्स के ऊपर में मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंस्टा चार्ज की, जो टेक्नोलॉजी नॉइस की है यानी कि फास्ट चार्जिंग, उसमें आपको 10 मिनट अगर इसे चार्ज करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 180 मिनट्स का रन टाइम इस पर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट हाँ, इसमें आपको ड्यूअल पेयरिंग नहीं मिलेगी, बट फॉर द प्राइस ऑफ 1399, 10mm के ड्राइवर्स, RGB लाइट्स, गेमिंग मोड डेडिकेटेड, यहाँ पे ट्यून कर रखा है नॉइस ने साउंड को, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। ओवरऑल बर्ड्स की क्वालिटी मुझे पसंद आई। आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, दूंगा उसका जवाब। मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और गैजेट्स के साथ।